आप ऐसे कहते हैं कि राम मंदिर के लिए क्यों आए, ठीक है, हम कहते हैं क्यों ना आए, आपसे जानना चाहता हूँ क्यों ना आए, इसका क्या आंसर है, क्यों नहीं आए। देखिए हम एक हिंदू समाज से, ठीक है, राम जी हम हमारे परम पूज्य हैं, आप उनको भगवान कह लीजिए या उनकी कही हुई बातों को जो अगर फॉलो करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहे गए। क्यों? क्योंकि वो एक मर्यादा के अंदर रह करके किया। अब अगर उनके ही जन्मभूमि और वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, भाई हमारी जो आस्था से जुड़ा हुआ है, जिनको हमें बचपन से ही बताया गया राम जी आपके भगवान है, आप अयोध्या में हुआ था, जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखेंगे, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं देखते हैं कि उनको तंबू के नीचे रखते तो कहीं ना कहीं वो एक दिल में एक होता है कि हम तो इतने आसान में रहते हैं और जो हमारी मर्यादा है आज हम मर्यादा को एक तंबू में रख दिया गया। Bring the Americanness in the minds of the Tamil people and the Bharat are binding India together. देश हित के लिए सबसे पहले खड़ा हूँ। राजनीतिक पार्टियां देश के हित के बाद में है, पहले देश है हमारा, देश नहीं तो राजनीतिक पार्टियां नहीं। तो सबसे पहले देश के हित में आप चाहे जो कार्यक्रम करिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे जो देश के हित में हो, ना कि देश की सभा के विपरीत हो या देश के संविधान के खिलाफ हो, उसमें नहीं, जो देश के हित में है उसमें हम आज भी आगे हैं, कल भी आगे थे और हमेशा आगे ही।